उज्जैन के महितपुर तहसील में आने वाले गांव जगोटी में एक सप्ताह के अंदर 8 लोगों की मौत होने से गांव में शोक की लहर छा गई। विधायक बहादुर सिंह चौहान और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे और गांव में ग्रामीणों से चर्चा की। उज्जैन जिले के महितपुर तहसील में आने वाले गांव जगोटी में एक सप्ताह के अंदर करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे गाँव के अंदर शोक का मातम छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और महितपुर तहसील के विधायक बहादुर सिंह चौहान, SDM कैलाश चंद ठाकुर, SDOP RK राय ग्रामीण जनों से चर्चा की और जाना कि मौत की आखिर वजह क्या रही। सबसे बड़ी लापरवाही तो यह रही कि ग्राम पंचायत जगोटी के द्वारा गांव में सप्लाई होने वाले पानी को चेक नहीं किया गया कि जो पानी ग्रामीण पी रहे हैं वह पानी पीने योग्य है या नहीं। वही गांव जगोटी के अंदर प्रमुख रोड हो या प्रमुख चौराहे, सभी दूर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और जब पहली मौत हुई थी जगोटी गांव के अंदर, दो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत के सचिव और तहसील मुख्यालय पर बैठे हुए अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और फिर यह मौतों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और करीब एक सप्ताह के अंदर 8 लोगों की मौत हो गई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पाँच लोग जो है उनको लगभग लगभग फीवर आ रहा था, उसके कारण टाइफाइड की भी हिस्ट्री है। तीन मरीज, तीन चार मरीज टाइफाइड की भी टाइफाइड हो गया था उनको, और उज्जैन एडमिट भी किया उनको, घर वालों से हिस्ट्री ली। तो टाइफाइड मोती जरा होता टाइप की भी मोती जरा काटा है हम उज्जैन जो है हमारे लोगों को हमने एडमिट भी करा और वहाँ से भी उनकी शायद डेथ हुई है। अभी इसी संबंध में हमारे सर भी आए थे SDM सर वगैरह 2 दिन के लिए, और यहाँ पर लगातार ये सडनली ऐसे डेथ हो रही है। तो कोरोना सैंपलिंग जो कि पहले भी हो रही थी और अभी भी लगभग सैंपलिंग के लिए उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर सैंपलिंग करो आप, तो पिछले 2 दिनों से अभी लगातार सैंपलिंग का काम चल रहा है। हमारे यहाँ पर फीवर क्लीनिंग के लिए जो भी दिलवाना शासन प्रशासन का दायित्व है, इसी दिशा में एक आकस्मिक बैठक हम लोगों ने यहाँ पर बुलाई थी, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है और जितनी बातें बढ़ा चढ़ा के जो कही जा रही थी इतना यहाँ पर ऐसे कोई इतना कोई विषय नहीं मिला। फिर भी चिंता के साथ हमने पूरी आज बैठक करने के बाद सीधे हम लोग यहीं आए हैं और ये मेरा भी दायित्व है और प्रशासन का भी दायित्व है कि हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए और शासन इलाज के लिए कटिबद्ध है और आप निश्चिंत रहिएगा कि हर व्यक्ति को उचित इलाज मिले, ये पूरे पूरे प्रयास हमारे हैं। परंतु इस कोरोना महामारी से सिर्फ डॉक्टर्स या प्रशासन के लोग मिलकर इस पर रोकथाम नहीं, हमें स्वतः ही इसकी रोकथाम करने के लिए हमें मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और कोविड की जो जो भी गाइडलाइन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।